दादा साहेब फाल्के अवार्ड इंडिया का एक हाईएस्ट अवार्ड माना जाता है, जिसकी एनुअली सेरेमनी होती है और जिसे ऑर्गेनाइज करती है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। वेल, इस अवार्ड का टोटली मीनिंग यही होता है कि वो पर्सनालिटीज को अवार्ड देना जिन्होंने इंडियन सिनेमा की तरफ अपना एक बहुत ही अच्छा कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है। वेल, अवार्ड के तौर पर पर्सनालिटीज को स्वर्ण कमल दिया जाता है और साथ ही साथ शॉल दी जाती है, इवन कैश प्राइज भी जाता है। वेल, दादा साहेब फाल्के अवार्ड 2023 का अनाउंसमेंट हो चुका है और लगातार सोशल मीडिया पर इसकी अपडेट हमें देखने को मिल रही है। रिसेंटली एक बहुत ही ज्यादा सेंसेशन सोशल मीडिया पर हो रखा है, वो है तेजस्वी प्रकाश का। वेल, जैसे ही दादा साहेब फाल्के अवार्ड्स के ऑफिशियल अकाउंट पर बेस्ट एक्ट्रेस इन अ टेलीविजन सीरीज के लिए नॉमिनेशन के नाम मांगे गए थे, ढेर सारे फैन पेजेस तेजस्वी प्रकाश के इस पे कमेंट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हर जगह सिर्फ तेजस्वी प्रकाश का ही नाम दिखाई दे रहा है। फैंस कमेंट कर रहे हैं, आई नॉमिनेट तेजस्वी प्रकाश फॉर दादा साहेब फाल्के अवार्ड फॉर बेस्ट एक्ट्रेस इन टेलीविजन सीरीज। लगातार हमें यही देखने को मिल रहा है कि तेजस्वी प्रकाश के फैन पेजेस तेजस्वी प्रकाश का नाम लेते हुए नजर आ रहे हैं। वेल, तेजस्वी बिग बॉस सीजन 15 की विनर रह चुकी हैं और फिलहाल वो नागिन सीजन 6 में लीड रोल में नजर आ रही हैं। वेल, फैंस काफी ज्यादा खुश हो जाएंगे इफ दादा साहेब फाल्के अवार्ड्स के लिए तेजस्वी प्रकाश को अगर नॉमिनेट किया जाता है तो। वेल, क्या कुछ अपडेट रहेगी DPIFF की मैं आपको जरूर बताऊंगी, बट टिल देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल।